बाबा के प्रति आप सबके प्रेम को सादर प्रणाम करते हुए अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि आज बाबा ने हमें आप सबके बीच आने का अवसर दिया। और इसे शुरू करने के पहले अभी स्त्री दिवसीय कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर सेंटर पर एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ 2 घंटे का, उसमें हमने जिस चीज को लिया था उसी के आगे हम इसे आज बढ़ा रहे हैं। और वो ये लिया था कि बाबा ने एक संदेश में कहा है, भाई आई कॉल अपॉन एवरी इंडिविजुअल टू वर्क फॉर मी, मैं प्रत्येक को अपने कार्य के लिए क्यों बुलाता हूं। उत्तर भी बाबा का ही है कि क्यों वो बुलाते हैं हर एक को अपना कार्य करने के लिए, द ओनली रीजन इज टू मेक ईच वन शेयर इन माई डिवाइन कार्य, जिससे हर एक को मेरे दैवी कार्य में हिस्सा लेने का अवसर मिल सके। आज उसने जो हमें अवसर दिया हुआ है अपना कार्य करने का, उस कार्य का एक भाग हमने कर लिया था, जिसमें आज हर बाबा प्रेमी से जो भी मिलेगा, जिसने बाबा को नहीं देखा, बाबा के बारे में नहीं सुना, वो एक प्रश्न हर प्रेमी से करता है। पहला तो वो प्रश्न कि हु इज मेहर बाबा, आप बताएं कि मेहर बाबा कौन है, ये हर एक से पूछता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरा प्रश्न एक और है कि राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, तो मेहर बाबा ने क्या कार्य किया, इस प्रश्न का उत्तर हमने कर लिया था। अब हम थोड़ी सी बात जो समय है उसमें हम पहले प्रश्न पर थोड़ा सा आ रहे हैं कि हु इज मेहर बाबा, मेहर बाबा कौन है। जय बाबा आंटी, पीसी जगत गारु अंटारु इकड़ा ई कार्यक्रम जरिगिनप्पटिकि इकड़ी वच्चिन बाबा प्रेमिकुलु अंदरिकि बाबा पट्ल वारिकुन्न प्रेमकि बाबा प्रेमिकुलकि मनंदरिकि बाबा पट्ल उन्न प्रेमकि पीसी जगत गारु नमस्करिस्तुन्नारनि अलागे बाबा प्रेमिकुलु अंदरिकि कूडा सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप बताएं कि मेहर बाबा कौन है, इसका सीधा उत्तर केवल अवतार मेहर बाबा ने जो दिया हुआ है दुनिया को, इसका वो एकमात्र उत्तर जिससे वो संतुष्ट हो सकता है वो अवतार मेहर बाबा द्वारा स्वयं उनका उत्तर है, उसी से हम आगे की तरफ आपको लिए चलेंगे। और वो उत्तर उनका, आई वॉज रामा, आई वॉज कृष्णा, आई वॉज बुद्धा, आई वॉज क्राइस्ट, आई वॉज मोहम्मद एंड नाउ आई एम मेहर बाबा। मैं राम था, मैं कृष्ण था, मैं बुद्ध था, मैं क्राइस्ट था, मैं मोहम्मद था, और अब मैं मेहर बाबा हूँ। In this form of flesh and blood, I am that same ancient one who is eternally worshipped and ignored. इस मानव रूप में मैं वही पुरातन पुरुष हूँ जिसकी सनातन काल से पूजा की जाती है और उपेक्षा की जाती है, एवर रिमेम्बर्ड एंड फॉरगॉटन, जिसको सदैव याद किया जाता है और भुला दिया जाता है। इस संदेश के बाद चाला मंदी बाबा प्रेमिकी बाबा अंटे एवरू तेलीक लेक चाला मंदी मेहर बाबा प्रेमिकी बहुत अड़ता है।
बताते हुए कि मैं कौन हूँ। आई एम दैट एंशिएंट वन हुज पास्ट इज वर्शिप्ड एंड रिमेम्बर्ड। मैं वो पुरातन पुरुष हूँ जिसके भूतकाल की पूजा की जाती है और उपेक्षा की जाती है। हुज प्रेजेंट इज इग्नोर्ड एंड फॉरगॉटन। और जब मैं वर्तमान में आता हूँ तो उसकी उपेक्षा की जाती है और उसे भुला दिया जाता है। एंड हुज फ्यूचर एडवेंट इज एंटीसिपेटेड विद ग्रेट फर्वर एंड लॉन्गिंग। और भविष्य में जिसके अवतरण की बड़ी उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा की जाती है। यदि तुम ईश्वर के रूप में मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तो चिंता मत करना। एक्सेप्ट मी एज ए ट्रू फ्रेंड। मुझे एक सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार कर। इसको हम एक दूसरे संदेश से फिर आगे हम दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं ही राम बनकर के आया था, मैं ही कृष्ण बनकर के आया था। लेकिन अब की बार बाबा ने एक चीज और इसमें जोड़ी हुई और कहा कि व्हेन गॉड मैनिफेस्ट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मैन, व्हेन गॉड मैनिफेस्ट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मैन, जब परमात्मा मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होता है। लेकिन मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने से हम कैसे विश्वास कर लें कि आप वही राम हैं? इसके बाद बाबा यहीं से शुरू करते हैं कि स्वीकार कैसे होगा, मुझे तुम करोगे। यहीं से बाबा फिर आए कहते हैं एंड रिवील्स हिज डिविनिटी टू द मैनकाइंड। व्हेन गॉड मैनिफेस्ट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मैन एंड रिवील्स हिज डिविनिटी। जब तक वो अपनी दिव्यता को प्रकट नहीं करेगा मानव जाति में, तब तक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। पिछले यदि काल में देखें, राम जब आए उनकी डिविनिटी को आप स्वीकार करने की तरफ देखें, हनुमान जी जैसे नहीं पहचान पाए, परशुराम जी जैसे नहीं पहचान पाए, कृष्ण काल में अगर आप देखें तो इंद्र नहीं पहचान पाए, तो कैसे पहचानेंगे? कैसे वो डिविनिटी कैसे रिवील करता है, इसे हम थोड़ा सा आपके सामने रख रहे हैं। उसकी वो अपनी दिव्यता को कैसे कर, आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उसकी दिव्यता को अनुभव किया हुआ है कि नहीं, आपके अंदर दिव्यता है और वो रिवील कैसे होती है, वो कैसे रिवील करते हैं अपनी डिविनिटी को, इसको अब हम आपके सामने रख रहे हैं। आई
जो कुछ कहा है वो आप आपके सामने रख रहे हैं, सबको जानकारी है। आत्मा की तीन छायाएं हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी तरीके से परमात्मा की तीन छायाएं हैं, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। हम यहाँ पर आत्मा की तीन छायाओं से ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि वो अपनी डिविनिटी को रिवील कैसे करता है। आत्मा की तीन छायाओं में मनुष्य का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के निकट रहता है, सूक्ष्म शरीर मन के निकट रहता है। प्रति मनुष्य ग्रॉस बॉडी अंटे भौतिक शरीर, स्थूल शरीर अंटे सडन बॉडी, सूक्ष्म शरीर ग्रॉस बॉडी अंटे स्थूल शरीर, सडन बॉडी अंटे सूक्ष्म शरीर, मानसिक बॉडी अंटे मेंटल बॉडी अंटे मानसिक शरीर। ई मूड शरीर प्रति मनुष्य उंटाई। अदे विधंगा परमात्मनिकि स्थूल प्रपंचम, सूक्ष्म प्रपंचम, मानसिक प्रपंचम ई मूड उंटाई। अयिते मनुष्यकि स्थूल शरीर के निकट सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर के निकट बाबा का प्रेम ही चमत्कार कर रहा है। माय लव विल ड्रा देम टू मी, मेरा प्रेम उन लोगों को मेरे पास खींच कर लाएगा। हूज हार्ट लॉन्ग टू हैव अ डीप इन द ओशन ऑफ माय इन द ओशन ऑफ माय लव। जिनके हृदयों में प्रेम के महासागर में डुबकी लगाने की अभिलाषा है, ऐसे सबको मेरा प्रेम खींच करके मेरे पास मिलाएगा। आज लगभग 2500 किलोमीटर से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कि उसका प्रेम खींच करके लाया हुआ है, उसके प्रेम का चमत्कार है जो आज ये सजीव होकर के हम लोग के बीच में हम सबको एक सहारा दे रहा है कि बाबा का है को आशा रखो, घबराना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही पर एक छोटा सा विराम देते हैं और और